हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। वी आर हियर फॉर अ बेटर फ्यूचर। लेट्स लर्न, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अंदर आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट में वैकल्पिक प्रश्न। ये सारे प्रश्न यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं। अभी इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं कि मैं ये सारे प्रश्न पढ़ूंगी, आपको इसके आंसर्स लिखने हैं, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, आपको ये सारे 1 to 8 प्रश्नों के जो भी उत्तर आते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन्हीं ऑप्शंस में से आपको 1 to 8 के आंसर लिखने हैं और कमेंट सेक्शन में लिख के भेजने हैं। मैं कल इसके जो आंसर्स होंगे वो आपको रिलीव करूंगी और कल इसका वीडियो पोस्ट करूंगी, तब आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स सही हैं और आपके कितने आंसर्स गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं पढ़ती हूँ, आपको आंसर लिखना है। नंबर 1, निम्नलिखित संधि में से कौन सी संधि गलत है? ऑप्शन है ए परम प्लस आत्मा, बी परम प्लस आनंद, सी सह प्लस अनुभूति एंड डी पुनरा प्लस गमन। तो इसमें से कौन सी वाली गलत है वो उसको टिक करना है आपको। ओके, कर दिया। नंबर 2, घबराना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। इसकी भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। ऑप्शन है ए घबरावन, बी घबरावह, सी घबराहट और डी है घबरावा। तो इसमें से कौन सी वाली भाववाचक संज्ञा है जो घबराना शब्द की लागू होती है यहाँ पे? तो ये 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन लिख दो, चलो जल्दी से। आई होप कि लिख दिया होगा। नंबर 3 है, विद्यार्थी शब्द का उचित संधि विग्रह कीजिए। यानी विद्यार्थी शब्द आपको दिया है और उसका आपको संधि विग्रह करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, चलिए। विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन ए है विद्या प्लस अर्थी, बी है विद्या प्लस थी, सी ऑप्शन है वी प्लस धार्थी, डी है विद्या प्लस आर्थी। ओके, इसमें से जो भी सही आता है जल्दी से आप लिख दीजिए आंसर। देन नंबर 4 पे जाते हैं हम। देवों के अधिपति शब्द समूह के लिए एक उचित शब्द लिखिए। ओके, ये शब्द समूह के लिए एक शब्द है, उसका उत्तर आपको लिखना है। आपको क्या दिया गया है? देवों के अधिपति। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए देव सेवक, ऑप्शन बी देवपति, ऑप्शन सी है देवदूत एंड ऑप्शन डी है देवराज। ओके, तो इसमें से जो भी सही आता है वो आप लिख दीजिए। ये आपका टेस्ट है, तो आपको ऑनेस्टली आंसर लिखने हैं और फिर जब मैं इसके वीडियोज में आंसर रिलीव करूंगी इसके सेकेंड सेशन के अंदर या फिर सेकेंड पार्ट के अंदर, तो आपको वहां चेक करना है कि आपके कितने सही हुए। ओके, नेक्स्ट है नंबर 5, पोल खोलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीज में से अंकुर निकलना, ऑप्शन बी है अंदर से बाहर आना, ऑप्शन सी है रहस्य प्रकट करना और ऑप्शन डी है बुली चीज याद आना। तो इसमें से कौन सा वाला इसका सही अर्थ है? पोल खोलना। ओके, नंबर 6 है यहाँ पे, निम्न में से कौन से मुहावरे का अर्थ चैन से न सोने देना होता है? इसमें से कौन से मुहावरे का अर्थ होता है चैन से न सोने देना? ऑप्शन है आपके पास ए गला फाड़ना, बी आग बबूला होना, सी घोड़े बैच कर सोना और डी है नींद हराम कर देना। तो इसमें से जो भी सही आता है प्लीज आप कमेंट पे लिख दीजिए। देन नंबर 7 है, मूर्ति शब्द की कर्तृवाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन आपके पास है ए मूर्तिकार, बी मूर्तिकर्ता, सी मूर्तिवान और डी है मूर्तिकारी। तो इसमें से कौन सा वाला आंसर सही है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और लास्ट नंबर देख लेते हैं, नंबर 7 है, धन के साथ अमीरी भी आती है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए ऑप्शन आती, बी ऑप्शन धन, सी ऑप्शन है अमीरी और डी ऑप्शन है साथ। इसमें से कौन सा वाला शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है वो आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर्स लिख दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लिख के फास्ट पोस्ट कीजिए ताकि मैं चेक करूँ और उसके बाद हम लोग इसके वीडियोस के अंदर आंसर्स चेक करेंगे कि कौन सा वाला आपका आंसर सही निकला और कौन सा वाला आपका आंसर गलत है। तो ऐसे आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा और आपका ग्रामर भी चेक हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से आंसर्स लिख दिए, 1 to 8 के सारे आंसर लिखिए और पोस्ट कीजिए जल्दी से, मैं चेक करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।